एक गड़बड़ हो गई है, पूछो क्या क्या? कि भाई देखो तिलक था 21 तारीख को, आज हमने देखा 23 तारीख थी। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हुई है सुबह, हमने 2 दिन व्लॉग नहीं बनाया, रीजन था बताने लायक रीजन नहीं है, रीजन बताने लायक नहीं है, आगे बनाएंगे बताएंगे। और अभी हम सुबह सुबह उठे हैं और मंजन वंजन करके आलू खा रहे हैं। अरे गिर गया, गिरता बहुत हमसे, हर चीज़ गिरता रहता है, अब उठा कर नहीं खाएंगे यार। तो गाइस अभी उठे हैं सुबह सुबह, माइंड जब तक फ्री नहीं होगा आपका, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कर नहीं पाओगे, करना चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे, समझे, ये चीज़ें होती है। तो गाइस अभी हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टाइप का सोच रहे हैं, बिकॉज मैंने अभी जब पिछला वीडियो बनाया था वो मिर्ची वाला, वो कुछ मतलब कुछ खास रिस्पॉन्स तो किया नहीं, कड़वा लग गई है ना, तो मज़ा नहीं आई कुल मिला के, बात यह है। तो हम सोच रहे कुछ अलग टाइप का फिर करें, इतना सारा आलू तो हमको ज़्यादा करें, कुछ अलग डिफरेंट, तो देखेंगे क्या करना है। अभी तो खाली है, बिकॉज मेरा दिन की शुरुआत होती है कुछ ना कुछ खाने से, हम सुबह उठ के ही खा लेते हैं। अभी आते हैं ये दाढ़ी बनाते हैं, बेकार सी दाढ़ी जो कि मेरे ऊपर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो बता दें क्योंकि पूरी दाढ़ी नहीं आती, पूरी दाढ़ी आती नहीं तो रखो का है, हटा ही दो, तो अभी दाढ़ी हटा देंगे। चलो फिर आलू तो खा लिया, अब चलते हैं दाढ़ी बना लेते हैं। चलो अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए और हम पानी गर्म करके नहाते हैं, क्योंकि मेरे लिए ठंडी आ चुकी है, मेरे लिए ठंडी आ गई है, क्योंकि हमें ठंडी लग जाती है बहुत जल्दी, इसलिए हम पानी गर्म करके नहा रहे हैं। और बगल में मेरी चाय गर्म हो रही है क्योंकि हम चाय पिएंगे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर टोस रखा हुआ है तो ये टोस हमें ख़त्म करना है, इसके लिए चाय पड़ी थी, थोड़ी सी चाय थी तो उसको गर्म कर ले रहा है और वो टोस खा लेगी, क्योंकि पानी गर्म होने में टाइम लगेगा ना, पानी गर्म में भी तो धुआं भी नहीं छोड़ेगा, पानी गर्म होने में टाइम लगेगा, तब तक अपनी चाय बनेगी तो चाय के साथ खाएंगे टोस, फिर नहाएंगे और हम पानी गर्म करके ही नहाएंगे, क्योंकि ठंडी मेरे लिए ठंडी आ गई बहुत ज़्यादा तेज, क्योंकि अगर एक बार हमें ठंडी पकड़ ली तो फिर कोई नहीं बचा सकता, फिर हमें सर्दी पकड़ ही लेगी, इसलिए ठंडी से बचे। वैसे हम दाढ़ी बिना दाढ़ी के अच्छे लगते हैं, दाढ़ी बेकार लगती है क्योंकि पूरी आती नहीं है और प्लस ख़राब लगती है। तो चाय निकली है इतनी, हमने सोचा नहीं था, हमने सोचा था ज़्यादा निकलेगी, लेकिन जीरा पूरा है तो खाएंगे। चलो फिर जब तक हमारा पानी गर्म होता है हम पी लेते हैं अपनी चाय, खा लेते हैं टोस। बस देखो जरा सा टोस है, जरा सा टोस है उसमें भी अंदर ये घुसा है, अंदर पूरा एड्रेस पूरा मोबाइल नंबर सब घुसड़ दिया, जिसको खरीदना जिसको खरीदना हो खरीद लो, पूरा सब एड्रेस सब इसमें घुसा अंदर। तो गाइस आज बता दें कि आज रवि की शादी है, रवि मेरे क्लास में पढ़ता था रामरति स्कूल में, कक्षा 2, 3, 4, 5 हम लोगों ने साथ में पढ़ा, इसके बाद हमने वो स्कूल छोड़ दिया। वैसे हमें उम्मीद नहीं थी कि वो हमारा कार्ड देगा, क्योंकि हम लोग उतना मतलब देखो ऐसा होता है ज़्यादा मतलब होता है तो आदमी किसी को कार्ड देता है, बट पता नहीं कैसे उसने कार्ड भेज दिया है। तो हम पहले तो ब्रिजेन को फ़ोन करते हैं, अगर ब्रिजेन साथ में जाएगा तो हम जाएंगे, अन्यथा हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि हमें अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। तो देखते हैं क्या होता है, विजयन को पहले फ़ोन करते हैं, पूछते हैं क्या कह रहा। गाइस अभी जो है विजयन का नंबर लग नहीं रहा, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा, बाद में देखेंगे लगा के, अगर लगा तो जाएंगे साथ में, अगर नहीं लगा तो जाने देते हैं, नहीं जाएंगे अकेले, नहीं जाएंगे
अकेला नहीं जा सकते, अकेले जाना हमको मतलब ऐसे तो अकेले हम पूरी दुनिया घूम लेंगे, लेकिन किसी की शादी में और इन सब चीज़ों में नहीं जाते, अकेले नहीं जाते। अकेले जाओ अच्छा नहीं लगता बिल्कुल नहीं। हम जब टूर गए थे ना तब भी हम जाते टाइम तो अकेले थे, आते टाइम भले ही हम अकेले नहीं थे लेकिन जाते टाइम अकेले थे, पूरे अकेले, तो हमें अकेलापन फील हो रहा था। चलो फिर अभी हम नाश्ता तो कर चुके हैं, एक टोस्ट बचा है, इसके बाद नहाते हैं। तो गाइस हमारा पानी गर्म हो चुका है, धुआं छोड़ रहा है बगल में, ये नहीं है ये मेरा पानी नहीं है, ये चावल बन रहा है, ये है पानी, मतलब थोड़ा छोटा है, लेने को भी ये ले सकते थे लेकिन ज़्यादा पानी हो जाएगा और इतना नहाना नहीं है हमें, थोड़ा नहाना है। चलो फिर नहाने, हम आखिरी में बिल्कुल लास्ट में करने जा रहे हैं मंजन, ठीक। तो देखो कोई भी ऐसे नहीं करना, पहले मंजन करना, फिर दाढ़ी वाली बनाना, फिर नहाना, फिर खाना, ऐसे मत करना। हमें तो जैसे मन करता वैसे करते, लेकिन करते सब। तो गाइस अभी करने जा रहे हैं मंजन, और इसके बाद हम दिखाएंगे अपने घर के बाहर का नज़ारा कैसा है, गंदा सा दिखाते हैं, पहले कर लेते हैं मंजन फटाफट से, इसके बाद ठीक है पहले मंजन कर लेते हैं। सो गाइस ये है हमारी घर के सामने का नज़ारा, यहाँ पे भरा हुआ पानी और वहाँ से बंद किया गया है, बट अभी शायद कुछ दिन बाद खोल देंगे गली वाले क्योंकि उनको सहन नहीं होगा। एंड यहाँ पे भी पानी भरा रहता था बट अभी जो है काम हो रहा है, वहाँ पे घर बन रहा ना तो इसलिए वहाँ पे अभी सूखा है, वरना वहाँ पे भी पानी आ जाता है यहाँ का, और यहाँ पे भी तो आ ही जाता है, अभी वहाँ पे बंद है ना इसलिए यहाँ पानी नहीं आ रहा, वरना पूरे में आ जाता है। तो ये तो कुछ नहीं होना, इसका अगर नगर निगम से कहेंगे तो वो आने नहीं वाली, कुछ होना नहीं वाला तो मुझे पता है, इसलिए मैं कहूँगा नहीं। एंड दूसरी चीज़ कि हमारे घर के पास में वो जो खम्भा लगा है सामने, उस खम्भे में लाइट ख़राब है, स्ट्रीट लाइट जो होती है ना वो ख़राब है, तो उसके लिए मैंने कंप्लेन किया था। एक्चुअली मैं क्या कंप्लेन हुई थी, क्या कुछ हुआ था वो हम आपको कॉल करते हैं, उनको कॉल करते हैं 1076 पे, तो आपको सुनाते हैं कि क्या हुआ था। तो गाइस अभी हमने कॉल किया था, ठीक है, पता नहीं वो कौन सा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा है 1076, और उस पर कॉल करो चाहे जितनी बार भी करो, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई वैलिड रिस्पॉन्स नहीं आता है, बस इतना आ जाता है कि हाँ आपकी कंप्लेन दर्ज कर दी गई है, जल्द से जल्द निस्तारण होगा बस। तो ये एक फेक नंबर है, मेरे हिसाब से फेक नंबर है, बिकॉज मैंने 13/9 को फर्स्ट कंप्लेन करी थी, आज हो गई 23/11, 2 महीने से एबव हो चुका, अभी तक कोई भी निस्तारण नहीं हुआ, मतलब लाइट वगैरह जो भी सुधारने के लिए हमने कंप्लेन की थी वो नहीं हुआ है, अब भाई होता भी नहीं है, बेकार सा ये नंबर है जो कि 1076 है, तो होता कुछ नहीं है इससे, फालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है, इन सब चीज़ों के चक्कर में कुछ नहीं होता है। आप पैसा दोगे, आप पैसे दोगे, आप पैसे दो, आप 50 रुपये 20 रुपये खर्चा करो, उनको मसाला खिलाओ, कोई भी लालच दो तो वो आके तुरंत कर देंगे आपका काम। आप अभी 50 रुपये दो वो तुरंत लेकर आएंगे, आप कंप्लेन बोलो उनसे या फिर कंप्लेन करो, वो कर देंगे सारा काम, बिकॉज उन्हें पैसा मिलेगा, तो भाई सारा काम पैसे के लिए है, अब वहाँ से उन्हें पैसा मिलेगा ही मिलेगा एंड यहाँ से भी मिलेगा, तब तो वो आएंगे, ऐसा है, ये फैक्ट है, सच है। चलो फिर अब चलते हैं घर, बिकॉज बात कर रहे हैं, हम यहाँ आए थे देखो, बिकॉज जब ऐसी बातें करनी होती है ना तो हम इसी जगह ही आते हैं। क्या बताए यार, सब जगह वही चल रहा है जो हर जगह चल रहा है। चलो फिर चलते हैं घर। तो गाइस हम आए हुए अपने घर के पीछे, यानी अष्टभुजी मंदिर, आपको पहले अष्टभुजी मंदिर दिखाते हैं क्योंकि ये मेरे घर के जस्ट पीछे, तो चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको, यहाँ से होती है स्टार्टिंग अष्टभुजी मंदिर की, और सबसे पहले चलेंगे अंदर और अंदर आपको दर्शन कराएंगे यहाँ पे कौन कौन से भगवान हैं, प्लस सारी घंटियाँ भी लगी हैं, और ये बहुत पुराना है, यहाँ के एरिया का सबसे पुराना मंदिर है। तो चलो अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पर डबल डबल आवाज़ आएगी, ऊपर देखो ऊपर ऐसा है, और डबल डबल आवाज़ आएगी, यहाँ भोलेनाथ है तो, और अंदर माता जी है, ये माता जी है, ये देखो माता जी, एक माता जी यहाँ पे, भोलेनाथ यहाँ पे,
और ये प्राचीन जो पत्थर वगैरह है ना जो है यहाँ से निकले होंगे आई थिंक वो है, और यहाँ पे माता जी हैं। तो यहाँ पे ऐसा मंदिर है, ये लगी घंटी। हाँ हाँ हाँ, घंटी सुनने की बात मजे ही मजा है। तो चलो फिर बाहर निकलते हैं और दिखाते हैं, छोटा सा घुसने की जगह छोटी है। गेट बंद कर दो, अभी करते हैं गेट बंद और दिखाते हैं आपको यहाँ का पे और क्या क्या है, बिकॉज नीचे चलते हैं। यहाँ पे है ये मन, ये पेड़ जो कि नीम का पेड़ है और बहुत ही पुराना प्राचीन है। ऐसा नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं जो पुराने हैं, जैसे वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे ऐसे ही, इन्हीं जितने साल का ये है ना उतने साल के होंगे, बट इसकी महत्वता इसलिए क्योंकि ये नीम का पेड़ है और प्लस मंदिर के पास है ना, मंदिर के पास इसके लिए महत्वता इसकी बढ़ जाती है और पूजा भी होती है। बाकी वहाँ पे भी और पेड़ लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक और मंदिर है जो जिनमें कि प्राचीन पत्थर रखे हुए हैं, और यहाँ पे लिखा है जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बाबा के जो है पोटेशन वगैरह कह सकते हैं ना, पोटेशन लिखे हुए हैं। तो गाइस दिखाते हैं, कोई वहाँ पे शहीद हो गए आई डोंट नो, चलते हैं वहाँ पता करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, बिकॉज मेरे दोस्त ने बताया इसने। चलो फिर चलते हैं। वाला पुर गया उधर था। अच्छा गाइस वहाँ पे उस तरफ एक कुआं था ठीक है, और एक इधर ये मेरे बगल में ये कुआं था, ये कुआं था, ये लग भी रहा कहीं से कुआं जो पुर गया, पुर गया मतलब ढक गया वही की। तो देखो सारी ईंटें हैं सभी के। अच्छा वही की सभी ईंटें देखो। यहाँ पे गाइस एक कुआं था, बहुत प्राचीन कुआं, और ये प्राचीन मंदिर अष्टभुजी मंदिर हमारे घर के पास में खोदा गया था तब, ये जब खुदाई हुई थी तब का है ये। चलो फिर चलते हैं और दिखाते हैं, मजा आ रही है इसे अकेले अकेले घूमने में। हम दो लोग अकेले कैसे हो सकते हैं दो, हम दो लोग हैं। तो चलो और चलते हैं और दिखाते हैं, मजा आ रही है अपने घर के पास में वीडियो बनाओ, अच्छा लग रहा है, कहीं दूर जाओ नहीं, क्योंकि अपने पास घर के पास में इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने नहीं देखी, तो वो देखेंगे पहले, इसके बाद आगे बाहर निकलेंगे है ना, पहले घर की चीज़ें, घर के पास की चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना बाद में। अच्छा तुम आज फ्री हो ना, आज मेरे दोस्त की शादी है, चलना साथ में, शाम चलना, तो एक घंटे के लिए जाएंगे, आ जाएंगे आप, अरे यहीं पर पौरी में गाड़ी चलेंगे ठीक है, आज चलेंगे रवि की शादी में इसी के साथ में, क्योंकि विजयन जैन किसी का फ़ोन ही नहीं लग रहा है, अब फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा किसी का, अब गली वाले के साथ जाएंगे ज़्यादा सही रहेगा। चलो फिर देखते हैं क्या है आगे, और यहाँ ऐसा है पूरा, तो मस्त अकेले घूमने में मज़ा आ जाती है, यहाँ पे अकेले साथ में कुछ खेलो इंजॉय करो तब सब मज़ा आती है बहुत। तो गाइस यहाँ पे एक स्मारक स्थल है जो कि अमर शहीद अनमोल प्रताप सिंह का है ठीक है, तो ये मुझे दिखाना था तो मैंने दिखा दिया, अंदर नहीं जाएंगे बिकॉज अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, है ना, ऐसे सब लोग नहीं घुस सकते ना, तो हम लोग बाहर से ही दिखा रहे हैं, चलते हैं फिर। वाह मस्त मस्त हवा, और जब भी होली 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 आती है ना, होली जलती है तो यहाँ पे जितने पेड़ गिरे होते हैं ना, तो यही सब हम लोग ले जाते हैं गली में इकट्ठा करते हैं, मस्त होली जलाते हैं। हाँ आ गए तुम तो गाइस पहले तो उसको रोटी खिला के आते हैं पहले उसको रोटी खिलाते हैं भाई, क्योंकि वो भूखी है, ले रोटी खा ले सारी ले, अब ये रोटी खाएगी तब इसके। तो अभी बहुत अंधेरा है यार, आ इधर आओ, इधर आ यार। तो गाइस मेरा दोस्त तैयार होकर आ गया है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है, पूछो क्या क्या कि भाई देखो तिलक था 21 तारीख को, आज हमने देखा 23 तारीख थी तो हमको लगा आज है, लेकिन गए देखा तो उसमें 21 तारीख लिखी थी, और 25 तारीख को शादी है, लेकिन हम जाएंगे नहीं क्योंकि बांदा में जाएगी परात, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, सबसे बड़ी गड़बड़, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया।
क्या, ये तो बैड लगोगे क्योंकि खाना नहीं खाए थे हम लोग। मुझे भी लगा था। तुमने खाया क्या खाना? हम खा हम लोग ने खाना नहीं खाया था, सोचा था वहाँ खाएंगे क्योंकि हम लोग खाने जा रहे थे। अब क्या पता है पूरी बेइज्जती हो गई। अब चलो छोड़ो, अगली बार किसी और की शादी में जाएंगे। चलो फिर कोई बात नहीं, और कहीं चलते हैं घूमने, ठाकुर चौराहे तक चलते हैं। क्या कर, चलो ठाकुर चौराहे तक घूमने चलते हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं ठाकुर चौराहे तक घूमने। बहुत अंधेरा हो गया, यहाँ लाइट जली, थोड़ा सा उजाला आ रहा है। तो गाइस अभी हो चुकी है रात, हम सोने जा रहे हैं और हमारा ये बिस्तर, और उजाला बहुत ज़्यादा तेज है, लाइटें बहुत सारी जलाई मैंने, देखो ऊपर चार लाइटें वो और एक लाइट वो, तो पांच लाइटें जल रही हैं, इसलिए उजाला ज़्यादा दिख रहा है, इसीलिए लग रहा है कि दिन है लेकिन दिन नहीं है, रात हो गई है। सब लोग सो चुके हैं और कोई भी नहीं जगा हुआ है, हम जगे हुए हैं क्योंकि हम एडिटिंग कर रहे हैं और इसके बाद कर देंगे अपना वीडियो अपलोड। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के जाना, मुझे पता है कोई भी लाइक नहीं करता, प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को नए हो तो। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।